नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट के बारे में कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ सवाल हैं जो मैं शेयर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे पास में इस चीज से जुड़े हुए आ रहे थे। तो ये है सेल्फ लव के लिए, सेल्फ वर्थ को पहचानने के लिए और प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए। प्यार किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी इंसान का हो सकता है। जब हमारा खुद के साथ प्यार बढ़ता है, जब हमारी खुद को पहचानने की क्षमता बढ़ती है, तभी हम दूसरे का जो प्यार होता है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, यही है आकर्षण का सिद्धांत, और ये इसमें सिर्फ हमारी हेल्प करता है। उसमें हमें भी सेल्फ लव के ऊपर काम करना चाहिए। अब जो सवाल थे वो क्या-क्या थे, उनको मैं फटाफट से छोटे-छोटे मैं कवर करते चले जाती हूँ। सबसे पहली चीज़, जिन लोगों की एनर्जी हाई रहती है, यानी कि जो पॉजिटिव रहते हैं, जो थोड़ा बहुत इन चीज़ों के ऊपर काम कर चुके हैं, जिन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने आप को अंडरस्टैंड करना थोड़ा समझ लिया है, सेल्फ लव से थोड़े से जुड़े हुए हैं, उनको ये हाथ में लेते ही, जैसे कि आप लोगों ने कॉमेंट्स पढ़े भी होंगे, एक एनर्जी फील होती है। क्योंकि ये 3x 100% चार्ज्ड ब्रेसलेट आप लोगों को मिलता है, और वो भी ओरिजिनल, 100% ओरिजिनल ब्रेसलेट मिलता है आप लोगों को। तो आपको तुरंत हाथ में लेते ही, अगर आप हाई वाइब्रेशन पर ऑलरेडी हैं, एक अलग टाइप की एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होती है। लेकिन अगर आप लो वाइब्रेशन पर हैं, तो इसकी एनर्जी फील होने में आपको कुछ दिन, कुछ वीक्स या फिर कुछ मंथ्स का भी टाइम लग सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी वाइब्रेशन, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमने इसको हाथ में लिया तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ, हमें ऐसा लगा, हमारी चीज़ें ऐसी होनी शुरू हो गई। लेकिन कुछ लोगों को, जिनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, आपको अपनी एनर्जी के ऊपर और काम करना चाहिए। थोड़ी मेडिटेशंस कीजिए, जितने ज़्यादा हो सके सेल्फ लव के अफर्मेशंस दीजिए, तब आप इसके जो हेल्प है, जो ये हेल्प करता है, बेसिकली ये हेल्प करता है, मेन काम हमें अपने ऊपर करना होता है, ये एक बहुत ही बेहतरीन हेल्पर की तरह हमारी हेल्प कर रहा होता है। जितना मैंने इस चीज़ से समझा है, मुझे ये समझ में आया है, हमें काम खुद पर करते रहना चाहिए, ये हमारी हेल्प कर रहा होता है। अब दूसरी चीज़ जो एक सवाल आ रहा था, इसके कलर के ऊपर, क्या इसका कलर निकलता है? यस, इसका कलर दो तरीके से निकलता है। एक तो आप इसके बीच का बैंड का कलर देख सकते हैं, ये रानी कलर का बैंड है, बिल्कुल डार्क पिंक, फूसिया कलर होता है ना, उस कलर का बैंड है। तो इस वजह से जो इसके बीड्स होते हैं वो और ज़्यादा पिंक नज़र आते हैं। आप जब जब नहाने के लिए जाएंगे, आप इसे नहाते समय पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका जो कलर है वो बरकरार रहे, तो आप नहाने से पहले इसे उतार सकते हैं, किसी साफ सुथरी सी जगह पर रख लीजिए, नहाने के बाद में आप इसे वापस से पहन सकते हैं। लेकिन इस बैंड का कलर जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि बीड्स का जो है वो कलर चला गया है। नहीं, बैंड की कलर की वजह से ये ज़्यादा पिंक नज़र आते हैं। तो अगर आप कलर बचाना चाहते हैं तो आप नहाते समय इसे उतार सकते हैं। दूसरी जगह और इसका कलर जाता है, अगर आप इसे धूप में पहनते हैं तो इसका कलर चला जाएगा। नहाते समय अगर आप सिर्फ इसे यूज़ कर रहे हैं तो ये बेबी पिंक कलर तक चला जाएगा, लेकिन अगर ये धूप में जाता है तो ये व्हाइट कलर का भी हो सकता है। यस, ये व्हाइट कलर का धूप में हो सकता है। धूप जो है, इसका जो कलर होता है वो सक कर लेती है, धूप में इसका कलर उड़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए अगर आप इसके कलर को बचाना चाहते हैं। अब कलर जाने से क्या इसकी एनर्जी पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, कलर जाने से 1% भी इसकी एनर्जी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब एक सवाल और आ रहा था, क्या इसे 24 घंटे पहन के रखना जरूरी है? नहीं, इसे 24 घंटे पहन के रखना जरूरी नहीं है। हाँ, आप पहनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको इसको 24 घंटे पहनना है। आपको किसी ऐसी जगह पर जाना है जहाँ इसको उतारना जरूरी है, बिल्कुल आप इसे उतार करके किसी साफ सुथरी जगह पर, या इसके साथ एक डिब्बी, एक पोटली मिलती है, उसी में डाल करके भी आप रख सकते हैं, और बाद में आप इसको वापस से पहन सकते हैं। तो इस तरह से उतार करके वापस पहनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसकी एनर्जी पे तब भी कोई फर्क नहीं आएगा। इसकी एनर्जी पे सिर्फ तब फर्क आएगा जब आप अपने हाथों से उतार करके काफी सारे टाइम के लिए किसी और इंसान को दे देते हैं, पकड़ने के लिए या पहनने के लिए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, अपना ब्रेसलेट उतार के ना तो किसी और को देना है, ना उसको पहनने के लिए देना है। आपको अपना ब्रेसलेट पर्सनल यूज के लिए रखना चाहिए, और आपको अपना ब्रेसलेट खुद ही पहनना है। तो इसकी एनर्जी पर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ सकता है,
तब आपको इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर आप इस तरह से करते हैं, अपना ब्रेसलेट उतार के किसी और को दे देते हैं और फिर उनका उतरा हुआ खुद पहन लेते हैं, तब कोई भी फायदा नहीं होगा, तब इसको चार्ज भी करने का कोई सेंस नहीं है, तब इसके ये 100% ओरिजिनल है, इसके ओरिजिनल होने का भी कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि ये एनर्जी से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप इसे सिर्फ अपनी एनर्जी के साथ जोड़ के रखते हैं तो ये आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। आप बार बार एनर्जी शिफ्ट करते हैं, उनको दे दिया पहनने के लिए, फिर खुद ले लिया पहनने के लिए, तो इस तरह से ये वर्क नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके 100% आपको अच्छे वाले रिजल्ट्स आएं, तो अपने लिए पर्सनल यूज़ में ही इसको लेकर के आएं, बार बार किसी को ये पहनने के लिए ना दें और किसी और को देने के बाद में फिर आप इसे खुद ना पहनें। बस यही कहना चाहूँगी इस वाले बात के ऊपर। इसके बाद एक चीज़ और जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर हम इसे पीरियड्स वगैरह में पहनते हैं, कोई ऐसे स्पेसिफिक टाइम या कुछ है कि हम इसे नहीं पहन सकते या पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे हमेशा पहन सकते हैं। पीरियड्स बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, इसमें तो कुछ है ही नहीं कि हम इसे कुछ गलत चीज़ समझें या कुछ भी है ना। आप इसे किसी भी पूजा पाठ की जगह पर पहन के जा सकते हैं, आप इसे पीरियड्स के टाइम पे पहन सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नॉर्मल ब्रेसलेट या नॉर्मल कोई भी चीज़ चूड़ी और घड़ी हम लोग पहनते हैं, बिल्कुल उस तरीके से पहन सकते हैं। लेकिन चूड़ी घड़ी हम लोग शेयर भी कर देते हैं किसी के साथ में, हमारे में तो चूड़ी भी नहीं बोलते हैं शेयर करने के लिए, लेकिन फिर भी कर लेते हैं लोग। लेकिन ये जो ब्रेसलेट्स हैं, खासतौर पे क्रिस्टल वाले जो ब्रेसलेट्स होते हैं, वो आपको शेयर नहीं करने चाहिए। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखिए, बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए कि इसको इस समय पर पहनना है, इस समय पर नहीं पहनना है। अब इसको पहना कैसे जाए ये मैंने अपने वीडियो में भी बताया था, आपको सिर्फ सेल्फ लव के अफर्मेशन के साथ इसको पहन लेना, आपको इसको धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको एक चीज़ और करनी चाहिए, आपके पास अगर इस तरह का कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट है, और आपको एक चीज़ का बस ख्याल रखना चाहिए, इसको प्लेन वाटर के नीचे महीने में सिर्फ एक बार, जो हमारा रनिंग वाटर होता है ना, उसके नीचे 2 से 3 मिनट के लिए रख करके अच्छे से बस क्लीन कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। तो आपको इसको क्लीन करना चाहिए। ये इतना ज़्यादा चार्ज मेरी तरफ से आप लोगों को मिलता है कि इसको लाइफ टाइम आपको चार्ज करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चार्ज करना चाहते हैं तो फुल मून पर कैसे इसको चार्ज किया जाए वो मैं बता दूंगी, जो मैं फुल मून वाला चार्ज करती हूँ। तो मैं तो इसे 3 times चार्ज करती हूँ। फुल मून वाला मैं आप लोगों के साथ में डिटेल में वीडियो शेयर कर दूंगी, तो आप ये समझ जाएंगे कि आप इसे जो 3 times ऑलरेडी चार्ज ब्रेसलेट आपको मिल रहा है फुल मून पर, अगर आप इसे चार्ज करते हैं तो ये इफेक्टिव तो है ही। लेकिन अगर आप इसको चार्ज नहीं भी करते हैं, मान लीजिए कभी भूल गए, नहीं कर पाए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और फुल मून पर कैसे चार्ज करना है उसके लिए मैं डिटेल से वीडियो शेयर कर दूंगी। बाकी इसको चार्ज करने की सीरियसली कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ महीने में एक दिन इसको आप रनिंग वाटर के नीचे रख करके क्लीन ज़रूर कर लीजिए। बस ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। लगातार इस चीज़ से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ रहे थे और मेरा शेयर करना बहुत ज़रूरी था। बीड्स का कलर जो होता है, क्या वो चेंज होता है? देखिए, जब ब्रिक आता है ना तो उसका कलर चेंज होता है, बहुत सारी जगह से वो काफ़ी वाइट सा दिख रहा होता है, काफ़ी सारी जगह से वो बेबी पिंक दिख रहा होता है, काफ़ी सारी जगह से वो बहुत ज़्यादा डार्क पिंक दिख रहा होता है। तो वो उसमें से कहाँ से वो टूटा है और कहाँ से आपको बीड्स जुड़ जुड़ के मिले हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत कलर का डिफरेंस हो सकता है। बीच बीच में कभी कभी ब्राउन कलर की लाइन भी हो सकती है, क्योंकि जो ओरिजिनल ब्रिक्स आते हैं ना, ओरिजिनल वाले जो ब्रिक्स आते हैं उसमें लाइंस होती हैं अंदर, पूरा एकदम झाग जैसी होती है अंदर। तो मैंने आप लोगों को अपना ब्रिक भी दिखाया था, तो उसके अंदर ना पूरा एकदम वो एकदम एक कलर का नहीं होता है। तो बीड्स में क्या होता है, बहुत सारे बीड्स को जोड़ करके ये बनाया जाता है। कहाँ से कौन से वाले बीड्स उठाए जा रहे हैं, हो सकता है आपको एकदम एक सार वाला भी ब्रेसलेट मिल जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत बीड्स के कलर में चेंज हो, लेकिन वो रहेगा पिंक कलर का ही। बीच बीच में कभी कभार ब्राउन कलर की लाइंस आ जाती हैं, तो उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल जो ब्रेक आता है ना उसके बीच बीच में कई बार लाइंस होती हैं, तो वो वहां से अगर आपको कोई बीड उसमें डल करके मिल गया है तो उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब अगर आपका काम करते हुए किसी चीज़ की वजह से आपका ये टूट जाता है, मान लीजिए आपके जो बीड्स हैं वो टूट जाते हैं, तो मैं आपको सीधे तौर पे कहूँगी कि आपको अपने ब्रेसलेट को डिस्पोज कर देना चाहिए, फिर आपको ये यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ,
अब आपको ब्रेसलेट मिला, बहुत सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि हमारा हाथ पतला है, अब इसके अंदर 22 to 23 बीड्स होते हैं, अब उनके हाथ में ढीला आ रहा है, तो क्या हम इसके 2 से 3 बीड्स को निकाल सकते हैं? यस, आप उसे निकाल सकते हैं, अपनी चेन में डाल सकते हैं, अपने लॉकेट की जगह पर डाल सकते हैं, आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप उसे वाटर के अंदर डाल करके भी यूज़ कर सकते हैं, और आप उसके 2 से 3 बीड्स निकालने के बाद उसको टाइट करके पहन सकते हैं, उससे भी इसके एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप किसी और के हाथ में इसको देते हैं, कोई और इसको पहनता है, फिर आप पहनते हैं, तो इसकी एनर्जी पर 100% दुष्प्रभाव ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ अलाउड नहीं है। बाकी इसकी एनर्जी पर कोई भी किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ने वाला है। कलर के लिए मैंने आपको बता ही दिया, 2 ही चीज़ें हैं कि पानी के अंदर आप जाते हैं बैंड का कलर निकलेगा, कलर लाइट आपको लगने वाला है, धूप में जाते हैं तो ये वाइट कलर का भी हो सकता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा कलर के लिए केयरफुल हो सकते हैं। बाकी रही बात इसकी एनर्जी की, ये इतना ज़्यादा चार्ज मिलता है आपको कि इसको कुछ हो ही नहीं सकता है एनर्जी को, तो ये इतने अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को इसको चार्ज करके भेजते हूँ। बाकी आप अपने ऊपर काम करते रहिए, सेल्फ लव के ऊपर काम करते रहिए, सेल्फ लव के अफर्मेशंस देते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके अपनी वर्थ को पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये चीज़ हमारी हेल्प करती है। मेन काम हमें अपने ऊपर करना होता है, ये हमारे सपोर्ट के लिए है, तो इसको सपोर्ट की तरीके से लेंगे तो ये आपके लिए 100% बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको देता चला जाएगा और आपको मज़ा आता चला जाएगा। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।